घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभ्यास तो खूब ज्यादा कर रहे हो आप, लेकिन असर नहीं हो रहा उसका। कि देख रहा हूं दिन दिन भर लगे हुए प्रैक्टिस में, या कुछ ना कुछ गाते बजाते ही रहते हो, लेकिन तो भी प्रगति नहीं हो रही है कार्य में। उसका क्या कारण है? ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं है, कई स्टूडेंट्स के साथ होता है। चलो खैर, आप लोग तो यहां पर हो और आप एक निगरानी में हो, एक किसी के अंडर हो कि हम बताते रहेंगे, आपको चेक करते रहेंगे। लेकिन जिन जिनके पास कोई गुरु नहीं है, मान लीजिए जो या तो ऑनलाइन सीख रहे हैं या बस उनको शौक है, इंस्ट्रूमेंट है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? या हो भी रहा है तो एक सीमित डेवलपमेंट है, जिसको हमको लग रहा है कि वो डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अच्छा गाना आ गया है, बहुत बढ़िया गा रहे हैं, चार लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी नॉन समझदार नॉलेजेबल पर्सन के पास गए तो वो आपकी 10 कमियां निकाल रहा है कि भैया ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये वो गलत कर रहे हो, जबकि अभ्यास तो पूरा हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि सर मैं दिन के 4-4 घंटे 8-8 घंटे कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, तो भी कुछ नहीं हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो, एक डायरेक्शन, एक सिलेबस को फॉलो नहीं कर रहे हो। सिलेबस होता ही क्यों है? सिलेबस आपको भले ठीक है एक सीमित दायरा दे रहा है कि भाई इसको करो, लेकिन वो उस अनुसार सेट किया गया है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी के अनुसार। इजी टू हार्ड सेट करते हैं, है ना, हर सिलेबस वैसे ही सेट होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट वैसा ही होता है ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज, है ना, कि ये करते जाओगे तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। सिलेबस आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। अगर आप उस सिलेबस को फॉलो ना करके कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में अभ्यास करोगे और उम्मीद रखोगे कि आपको प्रगति मिले, डेवलपमेंट मिले, तो आप गलत फहमी में हो। दिन के 4 घंटे प्रैक्टिस करने से, कुछ भी प्रैक्टिस करने से, दिन के 4 घंटे आप कुछ भी कर रहे हो, बस बैठे हो और बजाए जा रहे हो, और एक दिन के सिर्फ 2 घंटे सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस करने से, कितना फर्क है दोनों में, है कि नहीं? तो प्रैक्टिस राइट डायरेक्शन में करना जरूरी है। और हमेशा, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, कि म्यूजिक को एक ही पर्सपेक्टिव से मत देखो, एक ही नजरिए से मत देखो, है ना, हर जगह जाना चाहिए वो चीज। आप कहीं भी देखो आपको संगीत नजर आना चाहिए, हर पल में, हर जगह में, हर चीज में, कुछ ना कुछ आपको उसको रिलेट करना है अपने सब्जेक्ट से, तो आप इंटरेस्ट बना रहेगा इस विषय में, वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम सोच रहे हैं ये ग्रामर जो है बड़ा बोरिंग सा है, हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, तो इसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। कई बार होता, हमारे तो कई ऐसे टीचर्स थे कि वो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन वो गुरुजी इतने इंटरेस्ट से उसको पढ़ाते थे, इतना इंटरेस्टिंग बना देते थे कि वो हमको टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो क्यों ना आप इसी ग्रामर को इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करो, खुद प्रयास करो। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम तो आपको एक ही चीज़ को 10 तरीकों से सिखा रहे हैं, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना आपकी जिम्मे भी है, कि वो आपको भी जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी। जैसे अभी बोला कि था दुगुन चौगुन की बात हुई, तो आपने बोला जैसे मैं सब्जी काट रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि वो था दुगुन में आ रही है कि नहीं। मैंने और रुद्र भाई ने भी, हम तो चलते चलते हम देख रहे थे, चल रहे हैं, हम था दुगुन में चल रहे हैं कभी। तो ऐसे खेल खेल में हम उस संगीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगीत को खेल नहीं समझना है, कि आ जाएगा फॉर ग्रांटेड, कि चलो ना करने के हिसाब से कर लिया, अलंकार दिए तो उनको फॉर द सेक ऑफ, मतलब कोई भी काम ऐसे नहीं करना कि वह करने को दिया है तो कर दिया, वाकई उसको समझ के करना है। आपको बोला है अलंकार थाट करने हैं, तो अब आप उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस ना करके अगर आप किसी और चीज़ पर ज़्यादा फोकस करोगे जो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको करोगे तो समझ आएगी ना चीज़ें, है कि नहीं। सिलेबस को हमेशा ध्यान रखो कि सिलेबस तो करना ही करना है, उसके अलावा आप गाना बजाना कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सिलेबस भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिलेबस कच्चा है हमारा और वो कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। गाओ बजाओ ठीक है, चलेगा, उससे एक कुछ ना कुछ बना रहता है। उसीलिए तो हम संडे को यहाँ क्लासेस आप लोगों की क्यों रखते हैं, ताकि गाना बजाना भी आपके सामने रहे, लेकिन फिर एक, मैंने क्या बोला कि
इन डेली रूटीन में तो आप जो गाना बजाना सुनते हो वो एक अलग फील्ड का है, और यहाँ जो सुनते हो वो एक अलग फील्ड का है। इन डेली जो गाना बजाना सीखते हो, सुनते हो, उसमें आपको वो गाना बजाना सिर्फ सुनाई देता है, आपको समझ आता है कि ये गाना ऐसा है वैसा है। यहाँ जो गाना बन रहा होता है आपके सामने, ताज़ा ताज़ा गाना बनता है और उसमें चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये लाइन ऐसे क्यों बनी, वो लाइन वैसे क्यों बनी, वो दूसरे गाने सुनते हो उनमें ये नहीं मिलेगा आपको, उसमें आपको पका पकाया माल मिलेगा। यहाँ आपको पूरी चीज़ें, पूरा ग्रामर मालूम पड़ता है कि बन कैसे रहा है, और वो ग्रामर कब मालूम पड़ेगा, जब वो ग्रामर सीखा हुआ होगा। जबकि ग्रामर तो आपने सीखा हुआ है, वो लय ताल आपने सीखी हुई है, लेकिन यहाँ वो मालूम क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया जा रहा है। कल भी यही चीज़ बोली थी मैंने, है ना, कि अगर उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लिया है आपने तो आपको हर जगह वो दिखने लगेगा, फिर देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग बनता है वो काम, और आपकी लाइफ भी कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चीज़ें आपको आती हैं, अलंकार थाट स्केल्स आपको आते हैं, लय आपको आती है, लयकारी आपको आती है, लेकिन वो लयकारी लय चीज़ें दिखेंगी कहाँ जब तक उनको करोगे नहीं, हर पल करना होता है। अभी तालों की ठा दुगुन चौगुन आप लोगों ने कर ली, तो करने के हिसाब से कर ली, आ भी रही हैं, लेकिन इधर इन्वॉल्व नहीं हो रही है चीज़ गाने में, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता है, 2 घंटा आप लगातार बैठो और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो तो फ़ायदा मिल रहा है, और लगातार भी सही ढंग से, जो जो सिलेबस दिया गया है ना। जैसे कल ही बात हुई, ये कह रहे थे कि एक स्टूडेंट है, उसको दिन दिन भर 10-10 पेज गा रहा है अलंकार तैयार करने के लिए। तो मैंने कल क्या बात समझाई आपको, कि हमें 10 पेज के अलंकार नहीं तैयार करने हैं, उसके अलावा भी तो अलंकार हो सकते हैं। हमें बेसिक हमारा अलंकार तैयार करना है, कि कोई सा भी नया पैटर्न आया और हम तुरंत उसको पकड़ लें, तो उसके लिए हमें सिर्फ 1 पेज का अलंकार करना है। सिलेबस वाइज तो पूरा आपको करना ही करना है, लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस में करना होता है ना, कि एक वार्म अप के हिसाब से, वो सिलेबस जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना। लेकिन जैसे होता है ना, हैंडराइटिंग प्रैक्टिस अपन अलग से करते हैं, बाकी तो कंटेंट तो लिखना है, वो तो लिखना ही लिखना है ना, वो थोड़ी छोड़ देंगे हैंडराइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से, वो अलग से होती है। वैसे ही अलंकार का जो सिलेबस चल रहा है आपको, 10 पेज के अलंकार बिलावल थाट में हो गए, अब भैरवी थाट में करने हैं, फिर कल्याण थाट में, ऐसे करके 10 थाटों में करने हैं, वो तो करने ही है। साथ ही साथ 1 पेज का अलंकार अलग अलग लयकारियों में करना है, और वो डेली करना है। उससे धीरे धीरे देखो आपको अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगी, ये कंटेंट ऐसा है कि ये ज्ञान को आपके तक चल के आने पर मजबूर कर देता है। समझ रहे हो कि चीज़ें आपको अनुभव होने लगती हैं, संगीत में अनुभव ही सब कुछ है, और वो स्वयं का अनुभव ही होता है।